नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल ब्याज। आज हमारे चैनल का जो मकसद है, सच की खोज, सच दिखाना, सच से रूबरू कराना आपको। इसी सच की खोज में हम डेरा सच्चा सौदा की बदनावा आश्रम में पहुंचे हैं। यहां हम देख रहे हैं कि आज हजारों की तादाद में लोग एकत्रित हुए हैं, खूनदान कर रहे हैं। उनमें से हमारे साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं जो खूनदान करके आए हैं। उनसे उनके विचार जानते हैं इसके बारे में। सर, आपका नाम? सूर्य प्रताप सिंह। सर, आप कहाँ के रहने वाले हो? मुरादाबाद। आपकी उम्र क्या है? 40 ईयर। 40 वर्षों के। आज तक आप कितनी बार खूनदान कर चुके हो? थ्री टाइम्स। थर्ड, तीसरी बार आप खूनदान कर रहे हो। क्या आपको कोई डर नहीं लग रहा खूनदान करते समय? नहीं, डर वाली कोई बात ही नहीं है। हमारे जो संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान हैं, उन्होंने ही हमें इस पथ पर चलने की प्रेरणा दी है और उन्हीं की प्रेरणा से हम ये सब कुछ करते हैं। क्या खूनदान करने के बाद क्या आपको कोई कमी महसूस नहीं होती? नो, कोई कमी नहीं, बिल्कुल। किस तरह का महसूस करते हो जब आप खूनदान कर देते हो? बहुत अच्छा अनुभव होता है, अंदर से भी बहुत खुशी मिलती है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग इस बात से डरते हैं, उनको इस तरह की कोई भी डर वाली बात नहीं होनी चाहिए और खूनदान करके हम बहुत सारे लोगों का जीवन बचा सकते हैं। किसने आपको मोटिवेट किया है खूनदान करने के प्रति? पिताजी संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी की प्रेरणा से ही हम ये सब कुछ करते हैं जी। क्या आप आने वाले समय में भी खूनदान करते रहेंगे? हमेशा, फॉर एवर। जब तक जिएंगे तब तक ऐसा होता रहेगा जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी मिसाल है आज के समय में, जहाँ एक भाई भाई को खून नहीं देता, हॉस्पिटल में मत्ता छोड़ के चला जाता है, ये लोग निस्वार्थ भावना से इंसानियत के लिए बाबा राम रहीम जी के कहने पर निस्वार्थ भावना से लोगों को खूनदान कर रहे हैं। तो वाकई में ये बेमिसाल एक जज्बा है, इंसानियत की मिसाल है। इस तरह की सच्ची वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए फैक्ट आई के साथ। धन्यवाद।